जा रही इंडियन टीम। श्रीलंका पहुंची तो सबने कहा धवन सर भाई कप्तान बनेंगे, तो सबको एक्साइटमेंट थी कौन क्या होगा। पर जाते ही जाने किसकी नज़र लग गई, पूरी इंडियन टीम को 9 लोग क्वारंटीन पहुंच गए और कुछ वैसे तो मैच खेलने आ गए। अगर उसमें कल राहुल द्रविड़ सर भी खेले थे ना, कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ढूंढ ढूंढ के उन्होंने युवा प्लेयर उठाए और एक उन्होंने घोला ग्लास में और टीम बना कर पेश कर दी। अगर आपको नहीं पता ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ अपनी प्यारी इंडिया की बात। इंडिया ने कल जो किया है ना वो बहुत बढ़िया। फर्स्ट T20 वो तो जीत गई जैसे तैसे करके। हाँ पता है पांड्या ने कुछ नहीं करा था लास्ट ओवर में भी, जिससे होप होती है वो कुछ करता ही नहीं। सेम यही यहाँ भी हुआ, वही चीज़ को यहाँ दोहरा दिया गया। आपको पता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो कैसे इंडिया ने पता क्या करा, लास्ट ओवर जब लास्ट के 5 या 2 ओवर 3 ओवर पता है ऐसा अकाल पड़ा ना भाई, चौके तो हमको देखने को ही नहीं मिले। और जो बैट्समैन हम जैसे होप थे IPL में जो बनते ना, जो IPL में रसल बनते ना, ये जैसे संजू सैमसन ये सब अच्छे अच्छे रन बनाकर आउट हो गए। धवन भाई ने इतनी अच्छी बैटिंग करी कि 42 बॉल में 40 बना दिए। मुझे लग रहा था कि किसी ने इनके कान में तो नहीं कह दिए ODI है, क्योंकि ODI में भी ऐसे ही खेलते हैं ना। इसके बाद हमें से होप किया हमें नीतीश राणा, हमने सोचा नीतीश राणा राणा साहब आएंगे आप मारेंगे, और नीतीश राणा भी छोड़ गए। अब क्या करते भैया, भूबी भैया ने बल्ला संभाला और थोड़ा टीम को गिरने से बचा लिया, और बाकी तो आपको पता ही है क्या हुआ था मैच में। इसीलिए इंडिया कर पाई सिर्फ 132 रनों का लक्ष्य दे पाई, और जवाब में श्रीलंका ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी हारने वाली दिखाने में। अरे श्रीलंका इतना कम स्कोर था, अगर तुम एक बॉल पर 2 भी रन लेते ना तब भी तुम 200 ओवर पहुंच जाते। नहीं, इनके ओपनिंग बैट्समैन पहले ही अविष्का फर्नांडो हर मैच के किंग थे, पर इसमें आउट हो गए। लास्ट में वो तो धनंजय डिसल्वा ने पारी संभाल ली, वरना तो हो गया था कल्याण। और एक श्रीलंका का विकेट कीपर है भैया 35-35 मार के जाता है, हमारे यहाँ का विकेट कीपर देख लीजिए, इससे अच्छा ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव 50 तो मारते थे हर मैच में। अब क्या छोड़ो, बॉलिंग पे जब भारत आई ना तो बॉलिंग पे भारत को देख के एक अजीब सी उठी भाई, अब नए नए बॉलर होंगे, चेतन साकरिया वरुण चक्रवर्ती ऐसे ऐसे बॉलर देखेंगे, लेकिन बॉलरों ने भी कुछ साथ नहीं दिया। 10 ओवर में 50 तक क्रॉस कर गई थी श्रीलंका, पर वहाँ तक तो अच्छा लग रहा था कि बॉलर भाई कमाल दे रहे हैं। पर एक कुलदीप भाई को छोड़ दो भाई, सही बता रहा हूँ, कुलदीप भाई को जब जब मौके मिले उन्हें अच्छा अच्छा करा, पर उनको मौके कम मिले, यही तो बात है। 1.5 साल बाद वापसी कर रहे T20 में कुलदीप भाई ने 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट झटकाए। जी हाँ, परेशान करने में कोई वो नहीं छोड़ा नहीं, अगर इंडिया रिव्यू लेते 3 विकेट हो जाते फिर, और एक कैच भी छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, इसकी कोई बात नहीं कहेगा। स्पिनरों का आप सहारा था, राहुल चहर का बढ़िया कैच हो, कुलदीप यादव की बढ़िया गेंदबाजी हो, या भुवनेश्वर कुमार की बल्लेबाजी हो। देखिए मैच जीत सकती थी इंडिया अगर भारत वो जो ओवर था ना अपने भूबी भाई का उसमें एक छक्का नहीं पड़ता, फुल टॉस हाथ से छूट गई, मैच भी लगता है वहीं छूट गया, इसीलिए भारत नहीं जीत पाई। वैसे आपका क्या ख्याल है, भारत जीतनी थी, अगर भारत जीती तो क्या क्या होना चाहिए था, आप मुझे कमेंट में बताना। और शायद आपको लगता है कौन सा बैट्समैन उन्होंने नहीं लेके गए, मुझे लगता है मुझे राहुल तेवतिया की बहुत याद आती है, राहुल तेवतिया वहाँ होते तो शायद कुछ करिश्मा करके दिखाते। और भी बहुत सारे हैं अब किनका इनका नाम लें गाइस, कहना ही चाहिए। और मैं समझ नहीं भाई कुणाल भाई ने यार क्या यार एक कमरे में दीपक चहर क्या कर रहे थे यार, चहर तो बाहर आ जाते यार। गाइस जो मैच चला गया, आज भी गाइस आपके पास हमारे पास मौका है आज मैच जीतने का। क्या आपको लगता है श्रीलंका को आज भारत हरा के सीरीज अपने नाम कर लेगा, या फिर श्रीलंका को अर्जुन सर को कुछ कहने को मिल जाएगा? कमेंट डाउन करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलना, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या क्रिकेट रिव्यू मिलता है पानी क्रिकेट रिव्यू तो